हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल चुका है, बहुत ही वाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिन रॉट डिजीज़। ये बहुत ही एक डेंजरस डिजीज़ है। फ्लावर ऑन से स्टार्ट करके गोल्ड फिश तक सभी फिश को ये प्रॉब्लम हो सकता है। फ्लावर ऑन, ऑस्कर, पैरट, एंजल, गोल्ड फिश, किसी भी फिश को ये प्रॉब्लम हो सकता है। और बहुत जन को एक मिथ है कि भाई ये डिजीज़ ओनली विंटर के टाइम पे या फिर बारिश के टाइम पे होता है। नहीं भाई, ये डिजीज़ साल में सभी दिन सभी टाइम एनी टाइम हो सकता है, 12 महीने में कभी भी हो सकता है। आज इस वीडियो पे ट्रीटमेंट के साथ साथ रीजन भी बताऊंगा। बट अगर आप लोग सोचते हो कि भाई ट्रीटमेंट देख के वीडियो छोड़ के चला जाऊंगा, तो आप लोग को दो प्रॉब्लम होगा। नंबर वन, आप लोग ट्रीटमेंट तो कर दोगे, फिश को रिकवरी भी हो जाएगा, बट किस रीजन के वजह से फिश को प्रॉब्लम हुआ है, डिजीज हुआ है, वो अगर आप लोग को पता नहीं चलेगा दोबारा सेम प्रॉब्लम होगा। आप लोग ट्रीटमेंट करोगे, ट्रीटमेंट करने के बाद फिश से वो डिजीज आ जाएगा तो आप लोग का फिश मर जाएगा। तो पहले रीजन पता करो, उसके बाद ट्रीटमेंट करो। और सेकेंड क्या चीज़ हो सकता है, अगर आप लोग के फिश को डिजीज हुआ नहीं है, आप लोग प्रिकॉशन लेना चाहते हो, वो भी ये वीडियो पे बताऊंगा किस तरीके से आप लोग प्रिकॉशन ले सकते हो। अगर वो चीज़ आप लोग को पता चल जाएगा तो आप लोग को ये फिन रॉट डिजीज़ कभी भी फेस नहीं होगा। बट अभी अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग मे बी ये डिजीज़ फेस कर चुके हो, या फिर आप लोग के फिश को ये डिजीज़ हुआ है तो ही आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। तो आज इस वीडियो पे डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा फिन रॉट डिजीज़ होता किस रीज़न के लिए है और उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो तो आप लोग को शायद पता नहीं होगा, मेरे कम्युनिटी टैब पे मैं पोल रखा था कि भाई आप लोग के एक्वेरियम के अंदर कौन सा फिल्टर यूज़ करते हो। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट आया है टॉप फिल्टर के ऊपर। बेसिकली ये मेरा फेवरेट है, मेरा भी टैंक के अंदर दो दो टॉप फिल्टर चलता है। आप लोग को भी शायद पता होगा, आप लोग अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो तो भाई आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी तक अगर वहाँ पर जाके वोट नहीं किया हो तो बहुत जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा, जितना फास्ट हो सकता है जाके वोट कर दो। तो उस टॉपिक पे इसी हफ्ते मैं नया वीडियो लेके आऊँगा, तो जाके वोट करो उस टॉपिक के ऊपर, आप लोग का जो फेवरेट फिल्टर है वहाँ पर जाके उसके ऊपर वोट करो। तो आज इस वीडियो पे डिटेल में डिस्कस करूंगा फिन रॉट डिजीज़ के बारे में। और उसके साथ साथ आप लोग को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये डिजीज़ बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है भाई। इस डिजीज़ को कभी भी नेगलेक्ट मत करो, हल्के में मत लो। ये डिजीज़ देखने में बहुत छोटा एक डिजीज़ होता है, बट वो छोटा डिजीज़ बढ़ते बढ़ते फिश के फूड बॉडी पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा और फिश मर जाएगा। मेरे फ्लावर ऑन के साथ ये डिजीज़ हो चुका था, तभी मैं किससे रिकवरी किया था वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके साथ साथ आप लोग के पास ऑस्कर है, गोल्ड फिश है, पैरट है, कोई भी कैटेगरी का फिश है, ये ट्रीटमेंट सभी फिश के लिए सेम होगा भाई। ऐसा नहीं है कि भाई फ्लावर ऑन के लिए अलग है, ओ मिश के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। दो एक चीज़ डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है आगे चल के बताऊंगा, बट वो छोड़कर ट्रीटमेंट का प्रोसेस 101% सेम है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत कोई बोलता है ये ट्रीटमेंट करने के टाइम पे नमक डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। आज इस वीडियो पे डिटेल में बताऊंगा नमक डालना क्यों सही नहीं होगा, उसका भी चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। और ये जो ट्रीटमेंट मैं आप लोग को बताऊंगा, ये जस्ट 7 डेज का ट्रीटमेंट है, 7 डेज पर आप लोग का फिश एकदम सही हो जाएगा। हालाँकि 3 to 4 डेज पर ही हो जाता है, फिर भी मैं आप लोग को मैक्सिमम 7 डेज बोल रहा हूँ। 7 डेज के अंदर फिन रॉट डिजीज़ 101% ट्रीटमेंट करके किस तरीके से सही होता है, इस वीडियो पे लाइव प्रूफ देके आप लोग को समझाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक फ्लावर ऑन लवर हो, एक्वेरियम हॉबिस्ट हो, या फिर पेट लवर हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। उसके साथ साथ बहुत जन को मैं बताया हूँ बेल आइकन पे ऑल क्लिक करना भूल चुके हो, पुराना सब्सक्राइबर को भी बोल रहा हूँ, नया सब्सक्राइबर को भी बोल रहा हूँ, बेल आइकन चेकआउट कर लो ऑल क्लिक किए हो या नहीं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालता हूँ बहुत जन के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसलिए मैं आप लोग को ऑलवेज बताता हूँ सब्सक्राइब बहुत किए हो बट बेल आइकन क्लिक करना भूल चुके हो, तो बेल आइकन पे क्लिक कर दो, तो वो चीज़ मैंडेटरी है ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाए सबसे पहले। तो अभी मैं जो चीज बताने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले आप लोग समझ जाओ फिन रॉट डिजीज़ किस रीज़न के वजह से होता है, वो अगर समझ जाओगे तो भाई आप लोग ट्रीटमेंट भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। आप लोग चाहते हो तो वीडियो को स्किप करके ट्रीटमेंट देख सकते हो, बट फिर से मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप लोग ट्रीटमेंट देखोगे, ट्रीटमेंट करोगे, फिर सही हो जाएगा, बट जिस रीज़न के वजह से डिजीज़ हुआ है वो रीज़न अगर रह जाएगा तो वो डिजीज़ फिर से आएगा। तो मैं ऑलवेज बताता हूँ, आप लोग बहुत केयर करते हो आप लोग के फिश को, इसी कारण आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि बहुत कम जन होता है जो फिश के बारे में, जितना ज़्यादा मैं देखा हूं डॉग कैट्स बहुत जन वॉरिड होता है, फिश के बारे में ज्यादा वॉरिड नहीं होता है। तो आप लोग अगर फिश को केयर करना चाहते हो तो सही तरीके से केयर करो, गलत तरीके से केयर करके, गलत तरीके से ट्रीटमेंट करके कोई फायदा नहीं है, फिश मर जाएगा भाई। मैं देखा हूं बहुत सारा दुकान पे जाके फ्लावर ऑन बोलो, ऑस्कर बोलो, कोई भी फिश का ट्रीटमेंट करना चाहता हूं, ब्लू मेडिसिन डाल दो, रेड मेडिसिन डाल दो, नमक डाल दो, भाई
मेडिसिन का नाम भी होता है, मेडिसिन का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। तो ये सब कुछ चीज़ आप लोग को ध्यान रखने वाला चीज़ है। तो सबसे पहले चीज़, ये डिजीज़ होने का फास्ट रीज़न क्या है, नंबर वन रीज़न, ये सभी फिश के लिए होता है, ये पर्टिकुलर फ्लावरहॉर्न के लिए नहीं, सभी फिश को ये डिजीज़ सबसे पहले होता है, पानी अगर गंदा होगा भाई। ये मैं ऑलवेज बताता हूँ, अगर आप लोग YouTube पे मयूरदेव सर का वीडियो देखते हो, मयूरदेव सर भी बोलता है, मैं भी बोलता हूँ, आप लोग कॉमन सेंस यूज़ करो भाई। आप लोग जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का एयर अगर पल्यूटेड रहेगा तो वहाँ से आप लोग को जो एयर से ऑक्सीजन मिलेगा उससे आप लोग का बॉडी का कंडीशन ख़राब भी होगा। एयर अगर साफ सुथरा रहेगा, पॉल्यूशन फ्री रहेगा, तो आप लोग भी हेल्दी रहोगे। सेम तरीके से फिश भी सेम चीज़ करता है। अगर आप लोग का जो एक्वेरियम का वाटर है वो क्रिस्टल क्लियर रहेगा, अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर सही रहेगा, वाटर का TDS लेवल, हाँ भाई TDS बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में भी बताऊंगा, TDS लेवल सही रहेगा, फिल्ट्रेशन टॉप नॉच रहेगा, तो फिश को जो बीमारी है होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और बाकी भी रीज़न क्या है वो मैं बताऊंगा फिनरॉड डिजीज होने का, बट नंबर वन रीज़न होता है पानी का मतलब गंदा रहना। पानी अगर आप लोग देख रहे हो, आँख से देख रहे हो साफ सुथरा है, तो भाई आँख से साफ सुथरा मत देखो, पानी को टेस्ट करो। TDS मीटर खरीदो, मेरे चैनल पे वीडियो है, जाके चेकआउट करो, TDS मीटर खरीदो, TDS मीटर टेस्ट करो, पानी का TDS लेवल कितना है। मेरा मतलब यहाँ पर एक्वेरियम का वाटर जो देख रहे हो इसका TDS लेवल 200 के आसपास है, फ्लावर ऑन 300 तक सहन कर लेता है, बट TDS लेवल डे बाय डे बढ़ता है, कमता नहीं है, इंक्रीज होता है। तो मैं ऑलवेज बताता हूँ 200 के आसपास TDS लेवल मेंटेन करो फ्लावर ऑन के टैंक के अंदर। दूसरा कोई भी फिश हो, डिपेंड करता है, किसी फिश का लो TDS लगता है, किसी का हाई लगता है। जैसे अगर फिश का ब्रीडिंग करने जाते हो तो TDS लेवल कम होना चाहिए, ये थोड़ा अलग चीज़ है, बाद में बताऊँगा। बट अभी जो चीज़, फर्स्ट थिंग वाटर क्रिस्टल क्लियर, सेकंड थिंग बहुत कोई बोलता है भाई फ्लावर ऑन के टैंक के अंदर फिल्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है भाई, ये एक चीज़ में बहुत बड़ा मिथ है। ये मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ, लाइव आप लोग को मैं कैमरा थोड़ा पीछे रखा हूँ आज, ताकि दो टॉप फिल्टर यहाँ पर चल रहा है, आप लोग देख सकते हो मेरे टैंक के अंदर 5 फीट का ये टैंक है, दो टॉप फिल्टर, दो स्पॉन्ज फिल्टर चल रहा है 24/7। मैं फिल्टर को ऑफ नहीं करता हूँ, मैं ऑलवेज ऑन रखता हूँ, ताकि मुझे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है टॉप नॉच वाटर रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे और एकदम हेल्दी रहे। तो इसी कारण मेरा एकदम पानी क्रिस्टल क्लियर। बहुत कोई बोलता है कि भाई मेरा वाटर कितना क्रिस्टल क्लियर किस तरीके से रहता है, इसके ऊपर अगर आप लोग डिटेल वीडियो चाहते हो तो मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, बट ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, फिल्ट्रेशन, वाटर का टेम्परेचर, TDS लेवल, ये सब कुछ चीज़ अगर एकदम टॉप नॉच रहेगा तो फिश को जो डिजीज़ है बहुत कम होने का चांसेस हो जाता है। ये चीज़ फास्ट रीज़न है। सेकेंड रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वाइटल एक रीज़न है, आप लोग का टैंक का साइज़। मैं देखा हूँ बहुत कोई छोटे टैंक के अंदर बहुत बड़ा मछली रख देते हो, जैसे यहाँ पर मेरा 5 फीट का टैंक है, मैं एक फ्लावर ऑन रखा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग 5 फीट का टैंक लेके आओ, बट मिनिमम 3 फीट का टैंक तो फ्लावर ऑन के लिए ज़रूरी है भाई। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ अटैच करना चाहता हूँ, अगर आप लोग के पास छोटा टैंक है, ज़्यादा ओवर क्राउडेड कर रहे हो, ज़्यादा मछली घुसा रहे हो, तो भी ये डिजीज़ होता है फिन रॉड डिजीज़, क्योंकि ज़्यादा फिश घुसाओगे तो एक जगह पे छोटा टैंक के अंदर 2 फीट के अंदर 10-15-20 फिश घुसा दिए हो, बड़ा फिश, तो उसके बाद फिश स्ट्रेस में जाएगा, फिश मर जाएगा। एक्वेरियम शॉप पे जाके देख सकते हो, छोटा टैंक के अंदर बहुत सारा फिश रख देता है। आप लोग सोचते हो कि हम भी रख देते हैं, बट वो लोग रखता है बिजनेस करने के लिए, सेल करने के लिए, वो दुकान से सेल हो जाता है, वो पालता नहीं है भाई। आप लोग के घर पे जब लेके आ रहे हो तो आप लोग उस फिश को आप लोग के घर पे लेके आके सेल करने के लिए नहीं लेके आ रहे हो, उसको आप लोग पेट आप लोग पाल रहे हो उसके लिए लेके आ रहे हो। तो टैंक साइज अच्छा खासा होना चाहिए। ये डिजीज़ फिश स्ट्रेस में जाता है तो भी होता है। और उसके बाद एक प्रॉब्लम होता है, थर्ड रीज़न, बहुत कोई बोलता है कि भाई ये विंटर के टाइम पे, बारिश के टाइम पे ज़्यादा होता है। देखो भाई प्रॉब्लम सही है भाई, आप लोग बहुत कोई जगह पे जो चीज़ सुनते हो कि विंटर के टाइम पे या फिर बारिश के टाइम पे ये डिजीज़ होता है, हाँ भाई सही चीज़ है। देखो भाई आप लोग अगर ये चीज़ सोच रहे हो कि आप लोग के फिश को विंटर के टाइम पे या बारिश के टाइम पे ही ये प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं भाई, मैं खुद पर्सनली देखा हूँ, ये डिजीज़ 12 महीने में कभी भी हो सकता है। ये एकदम मतलब ऐसा चीज़ है कि भाई कभी भी आप लोग के फिश को हो सकता है। तो आप लोग ऑलवेज ये चीज़ को ध्यान रखो, आप लोग जब एक्वेरियम का पानी चेंज कर रहे हो सही टेम्परेचर का पानी डाल रहे हो, पानी ज़्यादा ठंड नहीं होना चाहिए, पानी जो पानी आप लोग डाल रहे हो, इससे पहले मैं वीडियो बनाया था बारिश का पानी वगैरह मिक्स हो रहा है वहाँ का पानी डाल रहे हो, उल्टा फुल्टा पानी
पानी डाल रहे हो तो वाटर अगर उल्टा फुल्टा डालोगे, टेम्परेचर फ्लक्चुएट अप डाउन करेगा, तो भी ये डिजीज पकड़ लेता है। ये तो था थर्ड रीजन। ये जो लास्ट मैं पॉइंट बताऊंगा, फोर्थ एंड वाइटल रीजन, जो रीजन बहुत ही कॉमन रीजन है और इसी रीजन के वजह से शायद आप लोग के फिश को फिन रॉड डिजीज हुआ है। देखो भाई, ये जो फोर्थ पॉइंट मैं बताने वाला हूं, ये बहुत ही ध्यान देने वाला चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसी पॉइंट के ऊपर आप लोग को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो मैं देखा हूं कॉमन जो प्रॉब्लम होता है ये फोर्थ पॉइंट ही होता है, जिसके कारण आप लोग के फिश को फिन रॉड डिजीज होता है। ये आप लोग गलती कर देते हो, दुकान पे जाके मुझे ये मछली दे दो, वो मछली दे दो, वो कर दो, ये कलर दे दो, आप लोग लाके बहुत सारा मछली एक ही टैंक पे घुसा देते हो और उस टैंक मेट के साथ उसका बनता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक 2 फीट के टैंक के अंदर आप लोग 6-7 ऑस्कर घुसा दे रहे हो, पैरट घुसा दे रहे हो, ऑस्कर के साथ ऑस्कर अगर रखोगे, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ऑस्कर बहुत ज़्यादा फाइट करता है। बेसिकली आप लोग करते क्या है, दुकान पे जाते हैं, आप लोग पता नहीं होता है कौन सा फिश किस फिश के साथ रहता है, आप लोग लेके आ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड फिश के साथ एंजल रख देते हो या फिर ऑस्कर के साथ दूसरा छोटा ऑस्कर के साथ बड़ा ऑस्कर रख रहे हो, तो भाई प्रॉब्लम क्या होता है बोलो तो, फिश फाइट करता है गोल्ड फिश को। बहुत कोई सोचता है एंजल कुछ नहीं करेगा, बट एंजल जाके गोल्ड फिश का फिन्स के ऊपर बाइट करता है, फिन्स खा लेता है, फिन्स को तोड़ देता है, तो वहाँ पर फिन रॉट जो नेम आता है, फिन रॉट एक किस चीज़ के लिए आता है, फिन्स खराब हो जाता है, फिन्स गलना स्टार्ट हो जाता है, पचना स्टार्ट हो जाता है, फिन रॉट डिजीज उस चीज़ के कारण आता है। तो वो डिजीज होने का मेन जो रीज़न होता है, ये मैं बहुत सारा मतलब मेरा सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करता है, हाँ भाई एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर फिश का डिजीज़ पकड़ नहीं पा रहे, आप लोग के फिश को कौन सा बीमारी हुआ है, कौन सा डिजीज़ हुआ है समझ नहीं पा रहे हो, कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट करो, मेरा यूट्यूब का जो नेम है वही नेम है, चैनल का सेम नेम है, सर्च करो मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग जाके वहाँ पर से मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकते हो। तो जो चीज़ मैं बोल रहा था, ऑस्कर का ये डिजीज़ बहुत कॉमन होता है, ऑस्कर फिश के साथ दूसरा ऑस्कर रखोगे तो ऑस्कर बाइट करता है दूसरे ऑस्कर के फिन्स को और खा लेता है, और उसके बाद वहाँ पर से फिन रॉट स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो फोर्थ रीज़न मैं बताया हूँ, ध्यान रखना, अगर आप लोग देख रहे हो ये जो डिजीज़ होने का रीज़न है ये बाइट करना, अभी जाके मैं प्रिकॉशन पे बताऊंगा आप लोग क्या करोगे तभी। तो प्रिकॉशन के टाइम पे अगर आप लोग मेंटेन करोगे तो ये फिन रॉट डिजीज़ होने का चांस कम हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स था या फिर 4 रीज़न था जिस कारण आप लोग के फिश को फिन रॉट डिजीज हो सकता है। अभी मैं आप लोग को ट्रीटमेंट बताऊंगा, ट्रीटमेंट बहुत इजी है भाई, बट सही ट्रीटमेंट करो सही टाइम पे। मैं ऑलवेज बताता हूं, ट्रीटमेंट का टाइम सही होना चाहिए, ट्रीटमेंट सही होना चाहिए तभी रिकवरी सही होगा। ट्रीटमेंट का टाइम अगर ख़राब है, अगर एकदम फिश का मरने वाला टाइम आ चुका है तभी जाके ट्रीटमेंट करोगे तो रिकवरी होने का चांसेस बहुत कम है। सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही ट्रीटमेंट करो सही डिजीज़ का, ये मैं ऑलवेज बताता हूँ। आप लोग अगर ट्रीटमेंट गलत करोगे तो भाई काम नहीं बनेगा, सही ट्रीटमेंट करो सही डिजीज़ का। सो फ्रेंड्स, अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को प्रिकॉशन बताऊंगा, उसके बाद आप लोग को ट्रीटमेंट बताऊंगा। प्रिकॉशन किस तरीके से ले सकते हो, जैसे मैं आप लोग को 4 पॉइंट्स बताया हूँ, जो रीजन मैं बताया हूं, ये रीजन आप लोग को पहले चेक करना है, ये रीजन आप लोग को मेंटेन करना है भाई। पानी का एकदम क्लियरिटी आप लोग को मेंटेन करना है, फिल्ट्रेशन एकदम सही से मेंटेन करना है, फिश को ज्यादा फाइट करने नहीं देना है दूसरे फिश के साथ। देख रहे हो फाइट कर रहा है, अलग कर दो, दुकान पे जाकर रिटर्न कर दो, कुछ भी करो फाइट करने मत दो, अगर फाइट करेगा तो ये डिजीज बढ़ेगा, ये चीज देखो। और लास्ट एंड फाइनल थिंग, वाटर का टेंपरेचर वगैरह, टीडीएस वगैरह, ये सब कुछ चीज मेंटेन करो, इस तरीके से आप लोग प्रिकॉशन ले सकते हो। और ट्रीटमेंट अभी मैं बता रहा हूं, बहुत इजी ट्रीटमेंट है भाई, ज़्यादा वॉरिड होने का मतलब ज़रूरत नहीं है, बट ट्रीटमेंट आप लोग सही टाइम पे स्टार्ट करो। अगर आप लोग फास्ट जो स्टेज होता है उसमें अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे रिकवरी हो जाएगा, लास्ट स्टेज में जाके मतलब ये बहुत जन को पता नहीं होता है, डिजीज़ को नेग्लेक्ट करता है, बाद में जाके देखता है फिश बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, उसके बाद जाके ट्रीटमेंट करता है तो रिकवरी होने का चांसेस कम हो जाता है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बताया था, जितना फास्ट पॉसिबल हो सकता है इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, स्लो करोगे तो फिश जल्दी वीक होगा, मर जाएगा। तो ट्रीटमेंट क्या है भाई, बहुत इजी ट्रीटमेंट है, मेडिसिन आप लोग को पता ही होगा शायद, मैं बताया था एपीआई का मेलाफिक्स बोल के, यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आप लोग को पिक्चर वगैरह डाल दूंगा। ये मेडिसिन भाई मैजिक के तरह काम करता है, अगर आप लोग पुराना सब्सक्राइबर हो तो आप लोग को पता होगा। ये आइस का जो फिश का प्रॉब्लम हुआ था मेरा, फ्लावर ऑन का आइस का डिजीज़ भी ये सही कर दिया था। ये मेडिसिन का बहुत सारा मतलब एक मेडिसिन से बहुत सारा ट्रीटमेंट हो सकता है, तो इस मेडिसिन का सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट है फिन रॉट डिजीज़ का ट्रीटमेंट। तो ये मेडिसिन आप लोग, मैं ये बड़ा वाला खरीदा हूँ, आप लोग अगर बड़ा वाला खरीदना नहीं चाहते हो, कॉस्टली मेडिसिन है, छोटा वाला खरीदो तो भी कम बन जाएगा, बट ये मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट होगा। बट यहाँ पर से वीडियो अगर छोड़ के जाओगे तो आप लोग गलती कर दोगे, मेडिसिन डाल दोगे हो जाएगा सही, नहीं भाई, जो चीज़ बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। सबसे पहले
जिस फिश को डिजीज हुआ है उस फिश को दूसरे फिश से अलग करना मैंडेटरी है। अगर आप लोग के टैंक पे एक ही फिश है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक फिश नहीं है दूसरा फिश के साथ रखे हो, ए डिजीज हुआ है तो इमीडिएट उस फिश को सेपरेट कर दो, नहीं तो ए डिजीज दूसरे फिश के ऊपर भी जा सकता है। ये जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन है ये स्प्रेड होता है भाई, तो इमीडिएट फिश को अलग कर दो, दूसरा जगह पे, दूसरा टैंक पे, बकेट पे अलग कर दो। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत कोई गलती कर देता है, दुकानदार के जाके पूछता है कि नमक डाल दो। देखो भाई, इंसान को जैसे कट होने के बाद वहां पर अगर नमक डालोगे तो जलन होता है, तो फिश को भी सेम चीज होता है, अगर वहां पर तुम नमक डालोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, उल्टा कम नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गलती से भी वाटर पे कोई भी सॉल्ट ऐड मत करो। रिकवरी हो जाने के बाद, फिन रॉट सही होने के बाद आप लोग सॉल्ट डाल सकते हो, बट जब भी फिन रॉट हुआ है तभी सॉल्ट मत डालो, सॉल्ट डाल के कोई फायदा नहीं होगा भाई, ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। सेकेंड, जो ट्रीटमेंट करोगे, ये मेडिसिन बहुत स्ट्रांग है भाई, ये मेडिसिन बहुत स्ट्रांग मेडिसिन है, ओवरडोज करोगे तो भाई फिश मर जाएगा, ये मैं आप लोग को पहले ही बता देना चाहता हूँ। मेडिसिन बहुत स्ट्रांग है और ये टॉप नॉच क्वालिटी का मेडिसिन है, एपीआई का मेडिसिन मेरा फेवरेट मेडिसिन है, इसका जो क्वालिटी होता है टॉप नॉच लेवल का होता है, बट मार्केट पे बहुत सारा डुप्लीकेसी आता है भाई, तो इसका जो जेन्युइन ओरिजिनल और डुप्लीकेट और फेक का अगर चाहते हो वीडियो तो नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, तो सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। बट इस वीडियो पे मैं थोड़ा बहुत दो तीन चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये मेडिसिन काम कर रहा है या नहीं तो आप लोग को पता चल जाएगा किस तरीके से। सबसे पहले 7 डेज का ट्रीटमेंट होगा, 7 डेज के लिए आप लोग दूसरे टैंक पे मछली को शिफ्ट कर देना है। फर्स्ट थिंग, दूसरे टैंक पे शिफ्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल 1 फीट का हॉस्पिटल टैंक है या 2 फीट का हॉस्पिटल टैंक है या फिर छोटा बकेट पे, जहां पर भी आप लोग ट्रांसफर कर रहे हो उस जगह का जो वाटर का अमाउंट है उसके हिसाब से इसको डालना है। यहां पर मेरे पास 5 फीट का टैंक है तो मैं यहां पर 30 ml 30 ml तक डाल देता हूं, तब जरूरत पड़ता है, नहीं तो छोटा टैंक है, 2 फीट का टैंक है, 1 फीट का टैंक है, मैक्सिमम 2 ml डालना है भाई, 2 ml, उससे ज्यादा नहीं। आप लोग सही से मेजर कर लेना, इसके कैप के ऊपर मेजर दिया हुआ है, आप लोग मेजर कर सकते हो, मेजर करके 2 ml डालना है, उससे ज्यादा नहीं भाई। सो फ्रेंड्स, 7 डेज का ट्रीटमेंट चलेगा, रेगुलर आप लोग को 20% पानी चेंज करना है, उससे ज़्यादा नहीं, ऊपर से 20% पानी चेंज करना है, 2 ml करके मेडिसिन डालना है, और उसके बाद नेक्स्ट डे 24 आवर्स ख़त्म होने के बाद फिर से वाटर चेंज करना है, फिर से 2 ml डालना है, ऐसे करके आप लोग को 7 डेज के लिए ट्रीटमेंट चलेगा। और मेडिसिन ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है तो आप लोग को कैसे पता चलेगा, थोड़ा बहुत मैं बता देना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, 7 डेज के लिए ट्रीटमेंट होगा, 7 डेज के लिए ही आप लोग को ट्रीटमेंट करना है। अगर आप लोग देख रहे हो 2-3 दिन में आप लोग का फिश कम्प्लीटली रिकवर हो चुका है, उसके बाद भी 7 डेज तक ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना भाई, इसका कोर्स होता है 7 डेज का। आप लोग अगर 3 दिन पे बंद कर दोगे, मेरा फिश सही हो चुका है, मैं फिश को हटा दिया हूँ दूसरे टैंक पे, मेन टैंक पे, तो बाद में वो रिजीज फिश से आ सकता है, तो भाई 7 डेज के लिए कंप्लीट कोर्स करना, उसके बाद जाके फिश को दूसरे टैंक पे शिफ्ट करना। हालांकि 2-3 दिन पे ही डिजीज ठीक हो जाता है, इस मेडिसिन बहुत ही स्ट्रांग है। तो आप लोग को करना क्या है, रेगुलर 7 डेज के लिए 20% पानी चेंज करना है, 20% पानी चेंज करके 2 ml करके API का मेलाफिक्स आप लोग को डालना है, उससे ज्यादा नहीं भाई, 2 ml काफी है, फिश से मेंशन कर रहा हूं। टैंक 1 या 2 फीट का टैंक है तो ही मैं 2 ml बोल रहा हूं, बड़ा टैंक पे डालोगे तो इसके पीछे आप लोग को मेंशन किया हुआ है 5 ml per 10 gallon, तो बड़ा टैंक के हिसाब से आप लोग ज़्यादा डाल सकते हो, बट आप लोग को रिकमेंड करूँगा छोटा टैंक पे डालोगे तो मेडिसिन कॉस्टली है ना भाई, अपना बजट भी तो देखना है, छोटा टैंक पे डालोगे तो मेडिसिन कम डालना होगा, काम भी परफेक्ट हो जाएगा और मेडिसिन का जो पैसा है वो खर्च भी कम होगा, कॉस्टली मेडिसिन है, फिर से बोल रहा हूँ, मैं बड़ा वाला खरीदा हूँ मुझे कॉस्ट ज़्यादा पड़ा था, तो आप लोग अगर छोटा खरीद लोगे तो आप लोग को कम प्राइस पे मिल जाएगा। और ये मैं अमेजन से लिया हूँ, मैं भी आप लोग को रिकमेंड करूँगा नॉर्मल एक्वेरियम शॉप से मत लेना, अमेजन से लेना तो आप लोग को ओरिजिनल मिल जाएगा। हाँ, ओरिजिनल के बाद से याद आया, मैं सेपरेट वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करके बताना, लेके आऊँगा, बट इस वीडियो पे मैं थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूँ। इसके ऊपर सील रहता है, कैप के ऊपर सील रहता है, सील देख लेना। सेकेंड चीज़, उसका जो स्मेल होता है, मेडिसिन का जो स्मेल होता है वो एकदम अलग ही होता है, दूसरा मेडिसिन से अलग होता है। एक मेडिसिन जो होता है ना, केमिस्ट शॉप पे अगर जाते हो जो स्मेल निकलता है वैसा टाइप का स्मेल होता है मेडिसिन के अंदर, तो इसका एक अलग ही स्मेल होता है, तो उससे आप लोग को पता चल जाएगा। डिटेल वीडियो चाहते हो ओरिजिनल और डुप्लीकेट का तो नीचे बताना, मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी तो ट्रीटमेंट मैं आप लोग को बता दिया हूँ, तो आप लोग को पता चल गया है, और कुछ करना नहीं है, सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं करना है, रेगुलर 20% वाटर चेंज और 2 ml करके मेडिसिन डालना है, आप लोग का फिश 101% रिकवर हो जाएगा। बट आप लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो चीज़ बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, आप लोग के गोल्ड फिश को अगर ये प्रॉब्लम हुआ है
तो ठंडे पानी पे ट्रीटमेंट करो भाई। अगर आप लोग के पास फ्लारॉन है, ऑस्कर है, सिक्लिट कैटेगरी का फिश है तो हीटर मैंडेटरी है भाई। ठंडी के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे कभी भी अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तभी हीटर ज़रूर लगा के रखो, क्योंकि टेम्परेचर पानी का हाई रहेगा तो फिश के लिए रिकवरी जल्दी हो जाएगा। ये मेडिसिन का अगर आप लोग टेम्परेचर के साथ देखोगे, मैं देखा हूँ, पर्सनली देखा हूँ, टेम्परेचर 30 डिग्री 30 डिग्री अगर मैं रखता हूँ वाटर का तो जल्दी रिकवरी हो जाता है। तो ये मैं पर्सनली एक टिप्स आप लोग को दिया हूँ, हीटर ज़रूर रखो। अभी तो विंटर का टाइम है, हीटर का तो कोई प्रॉब्लम, मतलब अभी जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ विंटर के टाइम पे, अभी तो हीटर मैंडेटरी है, बट गोल्ड फिश के लिए ज़रूरत नहीं है। आप लोग गोल्ड फिश को नॉर्मली मेडिसिन डाल सकते हो ठंडे पानी पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी आप लोग बोलोगे कि भाई आप लोग पूरा ट्रीटमेंट बता दिया हूँ, इसके बाद भी अगर फिश मेरा रिकवरी नहीं होता है तो मैं क्या करूँ? दो चीज़ हो सकता है, अगर आप लोग ये ट्रीटमेंट एकदम लास्ट स्टेज में स्टार्ट किए हो जब फिश का बहुत हालत ख़राब है तभी रिकवरी होने का चांसेस कम हो जाएगा, मैं पहले ही बताया हूँ। तभी फिर से 7 डेज का ट्रीटमेंट आप लोग को रिपीट करना है, बट बीच में आप लोग को 3 डेज का गैप देना है, और वो 3 डेज गैप में आप लोग को स्ट्रेस हील मेडिसिन डालना है 5 ml करके। ये अगर रिकवरी नहीं होता है तभी करना है, नहीं तो भाई रिकवरी हो चुका है तो भाई 7 डेज के बाद ट्रीटमेंट बंद कर दो। और प्रिकॉशन मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दिया हूँ, प्रिकॉशन जरूर लेना ताकि आप लोग का जो फिश का बीमारी है होने का चांसेस कम हो सकता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मेडिसिन है ये आप लोग प्रिकॉशन के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो, बट बहुत कम अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट के टाइम पे मैं 5 फीट के टैंक के अंदर 30 ml मेडिसिन डालता हूँ, बट प्रिकॉशन जब लेता हूँ 50% पानी चेंज करता हूँ तभी मैं 5 ml मेडिसिन API का डाल देता हूँ ताकि फ्यूचर पे प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग वो भी चीज़ कर सकते हो, उससे आप लोग प्रिकॉशन ले सकते हो, बट ज़्यादा नहीं डालना है, कम अमाउंट डालना है, वाटर चेंज करने के बाद डालना है। वाटर चेंज नहीं करोगे तो डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैं तभी हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार डालता हूँ, मतलब प्रिकॉशन के लिए। और ट्रीटमेंट तो मैं आप लोग को 7 डेज का ऑलरेडी बता दिया हूँ। इसके बाद भी अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर लो, आप लोग को गारंटीड रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो पे इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। और नेक्स्ट जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा फिल्टर के बारे में, वहाँ पर जाके आप लोग वोट वगैरह कर देना। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये फिन रॉड डिजीज़ के साथ और एक डिजीज़ आता है जिसका नाम है इक बोल के एक डिजीज़ होता है, फिश के बॉडी के ऊपर वाइट स्पॉट आ जाता है। उसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, तो नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे भी आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, टाटा।